क्वेश्चन नंबर 9, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक फोटोग्राफ लिया गया है एक हाउस का, उसका जो फोटोग्राफ का साइज है वो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द स्लाइड ऑन ए 35 mm स्लाइड है, स्लाइड पे रख दिया है उसको। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस इज ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर। मतलब कि उस फोटोग्राफ को इस स्लाइड पे रखा, स्लाइड से वो मैग्नीफाई करके प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट किया गया स्क्रीन पे। आप प्रोजेक्टर के थ्रू तो बड़ी इमेज आएगी, तो वो जो बड़ी इमेज आई है उसकी स्क्रीन पे वो आई है 1.55 मीटर स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या था 1.575 सेंटीमीटर स्क्वायर और इमेज का साइज क्या मिला है 1.55 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है वी अपॉन यू। वी हो गया 1.55 मीटर स्क्वायर और यू हो गया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में। यहाँ एक काम करते हैं, पॉइंट्स हटा देते हैं, पॉइंट्स हट जाएंगे उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये 155 अपॉन 175, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10^-2 मीटर। तो ये 10^-2 मीटर, और ये मीटर का स्क्वायर है तो ये लगा दिया स्क्वायर। डिवाइड किया 5 से तो 5 3 15 31 3 और ये 5, ठीक है। तो ये हो गया 35 अपॉन 31 अपॉन 35 × 10^-4, ठीक है। चलिए अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 31 अपॉन 35 × 10^4 और 10^4 का मतलब हो गया 0000 अपॉन 35। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो 35 0000 तो ये हो गया 8 times, तो 8 5 48 3 24 और 4 28, 30 बचा, यहाँ से एक कैरी ले लिया 300, तो 300 यहाँ आया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अगेन 8 times, तो 8 times 20 280 20 बचा, एक कैरी और ले लिया यहाँ से 200, और इस टाइम पे ये जाएगा 5 times, 5 5 25 5 3 15, हाँ तो ये 5 times जाएगा, तो ये 170 5 5 25 हाँ 175 बचा क्या 25 0, एक कैरी ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 times, 6 5 0 6 3 18 और ये 21, तो ये 7 times जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मैग्नीफिकेशन आ गया 8875। ये मैग्नीफिकेशन आया है आपके पास एरियल मैग्नीफिकेशन, मतलब उसके एरिया का मैग्नीफिकेशन आया है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्लूड हैं। लेकिन उसने बोला है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन चाहिए मुझे लेंथ का, तो अगर आपको एरिया में से सिर्फ लेंथ निकालनी है तो आप इसका रूट ले लीजिए। तो इसका रूट ले लेंगे तो 8857 का, तो आपके पास ये लीनियर मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा शायद 90.1 या कुछ आता है इसका आंसर, ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको।